नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने आधार कार्ड को अपने अकाउंट नंबर से कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले आपको ये डेट दिखाई दे रही है, तो डेट पे आपको जिस दिन फॉर्म जमा करवाने जाओ उसी दिन की डेट होना चाहिए। तो डेट मैं आज की लगा देता हूँ 15/11/2022। उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं कस्टमर नेम, तो कस्टमर का यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद अपने अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये अपन को जोड़ने के लिए अपने मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद अपने अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखने रहना है अपन को। उसके बाद ब्रांच नंबर, जो आपकी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, ब्रांच का नाम। इसके बाद जो आपको आधार कार्ड अपने अकाउंट नंबर से जुड़वाना है तो पहले यहाँ पर टिक करना है, फिर आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखने हैं, और ये भरने के बाद यहाँ पर जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद इसके पीछे, जस्ट पीछे इसको आपको आधार कार्ड लगवाना है। आधार कार्ड लगवा के ये फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करवाना है। तो प्लीज़ गाइज, आपको मेरा ये वीडियो ऑब्वियसली पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों।